कहते हैं ना कि चमत्कार के आगे नमस्कार होता है, तो उसके बाद उन्होंने हमको नंदी बताया कि उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके बाद वहाँ एक त्रिशूल लगा हुआ था उसकी क्या हिस्ट्री है, देन उन्होंने ये श्री कोटेश्वर महादेव का जो टेम्पल है उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया। भगवान का हर जगह पे शिवलिंग होता है, बट यहाँ पे क्या है, भगवान का राइट लेग का जो है वो थंब लगा हुआ है, जिससे ये माउंट जो है पूरा वो स्थिर हो गया, वरना हम और अपने एक मित्र से मिल गए हैं दीपक भाई। अब आगे इस वीडियो में बाकी सारी चीज़ें ये भी हमको समझा सकते हैं, काफ़ी लोगों को इन्होंने समझाया है। और ये रहे अनूप भाई, हमारी जो एक क्लिप थी इससे पहले अचलगढ़ की, उसमें दीपक भाई के साथ में ही हमारी वीडियो थी, इन्होंने ही हमको यहाँ पे पूरा गाइड किया था और बताया था इस हिस्ट्रिकल मतलब जो प्लेस है इसके बारे में विजिट कराया था एक एक करके। तो अब हम इनके साथ ही ये प्लेस विजिट करेंगे, या फिर इनकी एक शॉप है ये यहीं पे रहते हैं नीचे और यहाँ पे इनकी मार्केट में दुकान है, तो ये शॉप पे रहेंगे, फिर हम आगे जाएंगे क्योंकि दीपक भाई ने तो हमको पूरा बता ही दिया है कि कहाँ पे कैसे जाना है। अब हम पियेंगे दीपक भाई के साथ एक चाय, इन्होंने बोला है बहुत फेमस चाय है कुल्लर वाली, गणेश भाई। और यहाँ पे देखो उनका स्टॉल लगा है, अगर आप कभी यहाँ अचलगढ़ आते हैं तो इस वाले स्टॉल पे चाय पी सकते हैं। दीपक भाई पूरा बता दो दुकान के बारे में इनको। यहाँ पे सर क्या होता है कि अगर आप लोग कभी भी आएंगे ना तो यहाँ की इनकी कुल्लर की चाय फेमस है, पूरे माउंट आबू में जैसी चाय नहीं मिलेगी ना वैसी चाय यहाँ पे मिलेगी। तो कभी भी नाम है गणेश भाई और दुकान वाले भाई का नाम है गणेश भाई, और आबूनी प्रख्यात चाय जो है वो यहाँ पे मिलेगी, आप कभी भी आ सकते हैं और पी सकते हैं चाय और रबड़ी दोनों, चाय और रबड़ी दोनों इनके ये कूलर में खुद बना के देते हैं। ओके जी, तो अच्छा हुआ कि हमको दीपक भाई मिल गए हैं, नवा राशि भी है मेरे, मेरा नाम भी दीपक है, इनका भी नाम दीपक है, तो अच्छे से हम दोनों जन मिल के अब आगे की वीडियो को यहाँ के। फाइनली हमारी जो है वो चाय आ गई है, और ये पूरा चाय नहीं ऐसा लगता है जूस आया हुआ है भर के, इतना बड़ा ग्लास है ये, तो मज़ा ही आ जाएगा चाय पीने में। ये रहे दीपक भाई, ये रहे अनूप भाई, और ये रहा दीपक भाई। अब हम चाय पीते हैं और फिर अपने हिस्टोरिकल प्लेस को जानने की कोशिश करते हैं विथ दीपक भाई। होते हुए मंदिर में एंटर किए हैं, तो आगे से गाइड करेंगे हमारे दीपक भाई। तो सर अभी हम लोग अच्छेश्वर महादेव के अंदर टेंपल के अंदर एंटर कर रहे हैं, और ये फर्स्ट अपना एंटर गेट होता है जिसको कहा जाता है अच्छेश्वर महादेव टेंपल। तो अब हमको यहाँ के इस जो मंदिर की जितनी भी मतलब मान्यता है वो सब हमको एक एक करके हमें बताएंगे यहाँ के टूरिस्ट गाइड दीपक भाई। तो दीपक भाई पहले ये बताइए कि ये मंदिर एक्चुअल में कितना साल पुराना है? एक्चुअली में सर ये मंदिर है 5,500 साल पहले का, 5 पांडवों के टाइम का स्थापित किया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि इस जगह का नाम कहा जाता है अचलगढ़। तो अचलगढ़ में क्या होता है कि अचलगढ़ का इस विलेज का नाम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब मंदिर में जाएंगे तो इस मंदिर का नाम है जो सामने दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है अचलेश्वर महादेव का टेम्पल। लेकिन इस मंदिर का रीजन और अचलगढ़ का विलेज का रीजन क्या है कि यहाँ पे हर जगह पे आप लोगों ने देखा होगा शंकर भगवान का, हर जगह पे आप लोगों ने देखा होगा शिवलिंग होता है 90%। यस, लेकिन इस मंदिर में आप लोग देखेंगे तो इस मंदिर में शिवलिंग नहीं मिलेगा, इसमें आप लोग देखेंगे तो शिव के राइट साइड के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। और उसका रीजन क्या है कि आप लोग गुरु वशिष्ठ को तो जानते हैं ना, तो गुरु वशिष्ठ वगैरह यहाँ पे तपस्या करते थे, लेकिन किस जगह पे करते थे वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गुरु वशिष्ठ वगैरह तपस्या करते थे और उनका एक गाय था जो चढ़ते चढ़ते जहाँ पे आपको अंगूठा दिखाएंगे शिव भगवान के राइट साइड के पैर का, उसके 3 फीट नीचे आज भी एक पाताल खाई है, उसके अंदर वो गाय गिर गया था। और उसको निकलवाने के लिए यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवते आए थे, लेकिन शंकर भगवान नहीं आए, उस वजह से ये पूरा माउंट आबू अनबैलेंस हो गया था। मतलब आप लोग समझते हैं ना भूकंप वगैरह आता है तो कैसे हिलने लगता है, वैसे ये पूरा हिलने लगा और ये पाताल में समाने लगा। तो शंकर भगवान ने काशी पर्वत से बैठ करके इसको अंगूठे से अचल किया था। तो अचल यानी क्या होता है, स्थित, स्थित जो एक जगह पे फिक्स रहता है उसको बोलते हैं अचल। और गढ़ यानी कि होता है किला। तो किला मैं आपको थोड़ा बाहर जाके दिखाऊंगा, जो सन 1452 के टाइम में मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे उन्होंने ये किला बनवाया था और यहाँ पे राज किया था। तो अचल और गढ़ मिला के इस जगह का नाम हो गया अचलगढ़, और मंदिर का नाम हो गया अचलेश्वर भगवान का मंदिर। जैसे हमने अचलेश्वर महादेव का एंटर गेट अंदर तक आए तो आप लोग पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक नंदी दिख रहा है, इस नंदी को कहा जाता है शिवजी का वाहन, देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर नेपाल पशुपतिनाथ
और सेकंड माउंट अबू अचलगढ़ के अंदर। लेकिन इस नंदी का एक विशेषता है कि ये जो जितना भी नंदी दिख रहा है आपको इसका ये सॉलिड रहता है और इसका वजन है 4320 kg है, यानी 4320 किलो रहता है। लेकिन ये बना हुआ है पूरा पंच धातु से जिसमें क्या रहता है सोना चांदी पीतल तांबा कांसा, ये पांच धातुओं से मिक्स होके बना हुआ है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि कभी हमारे इंडिया में मुगलों का राज हुआ था तो उस टाइम वो लोग क्या करते थे कि आई टाइम हिंदू धर्म के कोई भी टेम्पल्स होते थे वो लोग लूटपाट करते थे। तो यहाँ पे सर क्या होता था कि हमारा गुजरात पड़ता है राजस्थान से जस्ट पास में, यहाँ से 20 किलोमीटर ही अगर आप नीचे उतर जाएंगे तो उसके बाद 20 किलोमीटर पे ही हमारा बॉर्डर लग जाता है। तो जहाँ पे गुजरात रहता है वहाँ का बादशाह था मोहम्मद बेगड़ा, जिसने आप लोगों ने सुना होगा कि सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा था, पाटन का मंदिर लूटा गुजरात के अंदर, और थर्ड नंबर इस मंदिर को उसने ये पूरा डैमेज करवाया था अपनी सेना द्वारा। लेकिन यहाँ पे उसको कोई भी हीरे जवाहरात वगैरह नहीं मिले, और जब वो मंदिर में से बाहर जाने लगा तो उसका नजर नंदी के ऊपर गया और उसने क्या सोचा कि मंदिर का जो भी हीरे जवाहरात वगैरह होगा सारा नंदी के अंदर भरा होगा। तो उसने सर क्या किया कि लालच में आके इस नंदी के ऊपर अटैक करवाया। आप लोग देख सकते हैं आज भी इस नंदी के ऊपर ये पूरे अटैक के निशान मौजूद हैं, बट इसके अंदर से कोई हीरे जवाहरात वगैरह नहीं निकले। कहते हैं ना कि चमत्कार के आगे नमस्कार होता है, तो महादेव की ऐसी कोई एक चमत्कार हुआ कि ये लेफ्ट साइड के घुटने में जो आपको हॉल दिख रहा है ये हॉल बना और इसमें से लाखों की संख्या में हनी बीज, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं तो मधुमक्खियाँ, वो निकली और इसमें से लाखों की संख्या में मधुमक्खियाँ निकली और बादशाह की सेना के ऊपर अटैक कर दिया। उसकी सेना यहाँ पे मंदिर में हथियार छोड़ करके भागने लगी, लेकिन बादशाह नहीं भागा, शंकर भगवान के पास गया और जाकर के माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद जो हथियार लूटने के लिए लेके आया था उसका आप लोग देख सकते हैं ये त्रिशूल बनवाया हुआ है। यह उन हथियारों में से जिसके पास जो भी था, कुल्हाड़ी था, भाले थे, तीर कमान थे, उनका सबका ये पिघलवा करके ये त्रिशूल बना रखा है जिसका वेट कहा जाता है 108 केजी। और इसके ऊपर कपड़ा इसलिए बांधते हैं कि मन्नत पूरी होती है। और सेकंड, उसने इस टेंपल इस मंदिर के अंदर ही एक मंदिर बनवा रखा है जिसको हम लोग कोटेश्वर महादेव कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग ऐसे परिक्रमा करेंगे तो 17 टेंपल्स मिलेंगे आपको छोटे बड़े मिला करके, लेकिन मेन अचलेश्वर होता है और सेकंड होता है कोटेश्वर महादेव जो मुस्लिम किंग ने बनवा रखा है। तो अब हम लोग यहाँ से नंदी का आपको हिस्ट्री बताया था और वो बादशाह ने ये त्रिशूल बनवाया और यहाँ पे आपको वो बादशाह द्वारा बनवा। तो जैसे आप लोगों ने शिवलिंग देख लिया है कि आधा जमीन आधा दीवार के अंदर बना हुआ है और आधा बाहर है, लेकिन सेकंड इस मंदिर का जो खासियत है वो यहाँ से है कि इसको हिंदू और मुस्लिम इसलिए पूजा करते हैं कि जहाँ पे कोटेश्वर जी लिखा हुआ है यहाँ से आप लोग इस मंदिर का एंटर गेट देख सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे मस्जिद वगैरह का एंटर गेट होता है ना, उस टाइप से ये मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। और इसको बनवाया गया था मुस्लिम बादशाह के द्वारा जिसका नाम था मोहम्मद बेगड़ा, तो उसने ये मंदिर टेम्पल बनवाया था। और यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि जगह का नाम है अचलगढ़ और जगह मंदिर का नाम है अचलेश्वर महादेव, तो आपको पहले मैंने आपको नंदी बताया उसके बाद ये दिखाया, अब हम लोग चलेंगे अचलेश्वर टेम्पल के अंदर। आइए आप लोग। तो अभी तक दीपक भाई ने हमको यहाँ पे तीन जगह दिखा दी है। पहले उन्होंने ब्रीफ किया है हमको यहाँ के हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद उन्होंने हमको नंदी बताया कि उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके बाद वहाँ एक त्रिशूल लगा हुआ था उसकी क्या हिस्ट्री है, देन उन्होंने ये श्री कोटेश्वर महादेव का जो टेम्पल है उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया। अब हम चलते हैं मेन मंदिर में और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में। अब हम फाइनली आ गए हैं मेन टेम्पल पे, आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये रहा, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। यहाँ अनूप भाई हैं और ये रहे हमारे दीपक भाई टूर गाइड जो हमको गाइड कर रहे हैं, और ये अब इस मंदिर के बारे में जो खासियत है जो हिस्ट्री है वो बताएंगे हमको। तो चलिए हम चलते हैं सीधा दीपक भाई के पास। इस मंदिर के अंदर सर जब आप एंटर होंगे तो ये एंटर गेट है यहाँ से, लेकिन इस मंदिर के अंदर आप जब अंदर एंटर करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों ने तीन चीज़ें देखनी होती है। फर्स्ट कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था इस जगह का नाम है अचलेश्वर महादेव, जिस वजह से कहा जाता है कि उसमें अंगूठा है महादेव का राइट साइड के पैर का, तो अचलेश्वर में आपने एक अंगूठा देखना है। सेकंड, जहाँ पे आपको अंगूठा दिखाएंगे उसके 3 फीट नीचे एक पाताल खाई है वो आप लोगों ने देखना है, और थर्ड नंबर पे आप लोगों ने देखना है इस पटेक पत्थर। चलो पहले पीछे की तरफ चलते हैं। चलो
हाँ इस तरफ ये पूरी परिक्रमा है जो आप मंदिर की कर सकते हैं। मंदिर काफी पुराना बना हुआ है और काफी ज्यादा ठंड लग रही है पैर में। देखो आगे यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसके नीचे से होके हमको गुजरना पड़ेगा। चलो चलते हैं नीचे की तरफ। और ये हुई परिक्रमा पूरी। तो भैया फाइनली हमने थोड़ा एक शॉर्ट्स पीछे दिखाया टेंपल का। वैसे तो यहाँ परमिशन नहीं है लेकिन पुजारी जी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमको ऑलरेडी परमिशन दे दी है रिकॉर्ड करने के लिए। अभी मैंने आपको दिखाया वो भगवान का हर जगह पे शिवलिंग होता है बट यहाँ पे क्या है भगवान का राइट लेग का जो है वो थंब लगा हुआ है जिससे ये माउंट जो है पूरा वो स्थिर हो गया वरना थोड़ा अस्थिर हो गया था जैसे भूकंप टाइप की चीज़ें होने लगी थी। तो इसीलिए ये टेंपल यहाँ पे बना हुआ है भगवान का। तो आपने मंदिर देख लिया है माउंट आबू आते हैं तो इस टेंपल को आप विजिट कर सकते हैं। श्री महाराज और ये यहाँ के महाराज हैं उनकी फोटो यहाँ पे लगी हुई है। और ये 108 शिवलिंग का नहीं लिया होगा नहीं लिया। और ये यहाँ पे 108 शिवलिंग रखे हुए हैं आप देख सकते हैं। तो अब फाइनली हम चलते हैं बाहर और मिलते हैं दीपक भाई से और आगे की कहां कहां जाने वाले हैं उनसे पूछते हैं देन आगे की चालू करते हैं। अगर आप माउंट आबू आते हैं तो एक बार अचलगढ़ आएं और अचलगढ़ आते हैं तो इस टेंपल में ज़रूर आएं। बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत ही अच्छा है और काफ़ी शांत एटमोसफेयर है यहाँ का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।